हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। पिछले लेक्चर में या पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो इस लेक्चर में हमारा मेनली फोकस होगा सिंपली सपोर्टेड बीम विद द पॉइंट लोड। तो पहले हम थियरी बेस ये समझने की ट्राई करेंगे कि किस तरह से शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड करते हैं, वैल्यूज किस तरह से फाइंड करने होती है, और उनके बाद शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बहुत आसानी से किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आई नो कि एग्जाम में आपको ये ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं पूछते, बट क्या होता है, जैसे ही आप गवर्नमेंट बेस्ड एग्जाम में जाते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां पे डायरेक्टली कभी भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको नहीं पूछेंगे, बट उनका एप्लीकेशन 100% आपको पूछते ही पूछते हैं। तो थोड़े बहुत वो जो फंडामेंटल्स है जो आपको पूछ सकते हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा, और एक ये पॉइंट लोड के साथ पूरा एनालिसिस आपको समझा दूंगा। जैसे ही आपको एग्जाम में कुछ पॉइंट लोड के रिलेटेड सिंपली सपोर्टेड बीम के साथ जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको मैं बताता जाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जब भी आप बात करो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की, तो पहली कंडीशन आपके सामने ये होनी चाहिए, शियर फोर्स दैट इज वन टाइप ऑफ फोर्स, सो योर यूनिट मस्ट बी इन किलो न्यूटन, एंड बेंडिंग मोमेंट इज व्हाट, सो फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट व्हाई योर यूनिट इज किलो न्यूटन इनटू मीटर। सो वेरी फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड दिस रिएक्शंस, दैट इज रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी। पहले ही बात बोल दी, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, दैट मींस आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी मस्ट बी जीरो। पिछले लेक्चर में हमने वो बात कर दी थी कि सिंपली सपोर्ट है अगर आपके पास बीम, वहां पे बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो इसी कंडीशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कंडीशन वन दैट इज सिग्मा मोमेंट एट दैट ए, आप ले सकते हो बी पर भी जीरो ले सकते हो या ए पर भी जीरो ले सकते हो। तो मैंने अभी कंसीडर किया है एट ए इक्वल टू जीरो। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है आपको जो भी नंबर ऑफ बीम, जो भी बीम है उनमें नंबर ऑफ फोर्सेस कौन कौन से है। लेट मैं यहां आपको बता रहा हूं, आर ए है, फिर 10 किलो न्यूटन है, 30 किलो न्यूटन है और आर बी है। तो पहले ये नंबर ऑफ फोर्सेस आपको पता होने चाहिए क्या क्या है। पहले मैंने आर ए लिखा, 10 लिखा, 30 लिखा एंड देन आर बी लिखा, चारों फोर्सेस लिख लिए। अब मैंने क्या बताया आपको, मोमेंट एट द रेट ए, मतलब के आपका जो फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से, ये फोर्स है लेट सपोज 10 किलो न्यूटन का, हमें मोमेंट फाइंड करनी है ए, तो 10 इनटू डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1 मीटर। तो इसी तरह से 20 के लिए कितना होगा, 1 + 1 = 2 होगा, आरबी के लिए कितना होगा, 1 + 1 = 3 होगा, और अगर मैं आप बात करूं आर ए से, तो आर ए यहां से ही जा रहा है, मतलब उनका डिस्टेंस क्या है, जीरो है, तो वही लिख लिया, आर ए के लिए 0, 10 के लिए 1, 30 के लिए 2 एंड फॉर आरबी इट इज 3 मीटर। तो जस्ट कैलकुलेशन कर दिया। अब बात करता हूं आपका जो साइन है वो किस तरह से मैं ले रहा हूं। तो लेट सपोज मैंने कल ही बताया था, इनको जनरली हम लेते हैं पॉजिटिव मोमेंट में और इनको जनरली हम लेते हैं नेगेटिव मोमेंट में। तो चलो पहले ए पर मोमेंट लेनी है, मतलब आपका सेक्शन कहीं यहां पे है, तो यहां जो मोमेंट आ रही है वो डाउन हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, दैट मींस इट इज टेकन एज माइनस। सिमिलरली फॉर 30 इट इज ऑल्सो माइनस। फॉर दिस आरबी, आरबी आप देखोगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है मोमेंट, तो क्या होगा वो पॉजिटिव। तो इसी तरह से आपका फोर्स, डिस्टेंस एंड आपकी डायरेक्शन, तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई भी अगर बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है तो आपको पहले रिएक्शन चाहिए, और रिएक्शन फाइंड करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, नंबर वन फोर्स, नंबर टू डिस्टेंस, नंबर थ्री डायरेक्शन। तो एफ डी डी कहते हैं उनको, फोर्स, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब बात करते हैं 10 × 1 दैट इज 10, 30 × 2 = 60, आरबी इंटू 3 दैट इज 3 आरबी। सो यहां से हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ आरबी दैट इज 23.33 किलो न्यूटन।
सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या होगी फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिस तरह से बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो हुआ उसी तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो भी आपके वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है उनका समेशन जितना होगा उतना ही आपका डाउनवर्ड जितने फोर्सेस है वर्टिकल में उनका समेशन होगा। तो मतलब पहले लिख लेते हैं वर्टिकल कितने अपवर्ड कितने हैं आर एन आर बी, तो आर एन आर बी डाउनवर्ड लोड 10 एंड 30, सो 10 एंड 30, सो इनका टोटल हुआ 40 माइनस आर बी ऑलरेडी यू हैव, सो 23 माइनस कर दिया तो आपको मिल गया 16.67 किलोन्यूटन। अब ये कैलकुलेशन जब आप बी या डिप्लोमा पढ़ते हो सब्जेक्ट के लिए तो जो थियरी एग्जाम होती है वहां पे आपको ये काउंट करना होता है, बट जब आप कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो याद रखना जब भी आपके पास पॉइंट लोड है और अगर आपको रिएक्शन फाइंड करना है और डब्ल्यू यहां लेट सपोज एक्ट हो रहा है तो मैंने नाम दे दिया ए डिस्टेंस एंड बी डिस्टेंस, और अगर आपको फाइंड करना है आर ए तो आर ए के लिए आपका इक्वेशन होगा डब्ल्यू बी बाय एल, मतलब जो भी पास वाला डिस्टेंस है वो आपको कंसीडर नहीं करना है, उनके सामने वाले डिस्टेंस को आपको कंसीडर करना है, मतलब आर ए के लिए डिस्टेंस होगा बी, और लेट सपोज अगर आपको आर बी फाइंड करना है तो आपको उनके सामने डिस्टेंस क्या है ए, तो ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा क्योंकि वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके लिए इतना टाइम नहीं होता। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं, यहां पे दो लोड है तो आर ए वन एंड आर ए टू नाम दे देते हैं पहले, तो आर ए वन जो है वो रिस्पेक्ट टू 10 किलो न्यूटन है, तो आर ए वन क्या होगा आपका 10 इंटू बी डिस्टेंस, मतलब ए पर फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस बी होगा आपका 1+1 दैट इज 2, सो 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 दैट इज 6.67, आर ए टू ड्यू टू 20 किलो न्यूटन और सॉरी 30 किलो न्यूटन लोड, सो 30 किलो न्यूटन के लिए बी क्या होगा 1 मीटर, सो 30 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 दैट इज 10 किलो न्यूटन, सो दोनों का समेशन करेंगे आप तो 26.67 जो यहां पे आपको दैट इज 16.67 जो यहां मिल रहा था वही आपको मिल जाएगा। तो ये बात हो गई आपके रिएक्शन की। अब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं क्योंकि पहले आपको कैलकुलेशन करना होता है वो जो वैल्यूज क्या क्या है फिर आपको ड्रॉ करना होता है, तो अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट में हमें हमारे कंसिडरेशन में चार पॉइंट्स है ए सी डी एंड बी, ओके। अब ए सिंपली सपोर्टेड है तो जीरो हो गया, बी भी सिंपली सपोर्टेड है वो भी जीरो हो गया, तो बात करते हैं एंड सी मतलब कि मोमेंट एट सी। तो अब देखिए आपको कल ही मैंने बताया था मोमेंट आप या तो लेफ्ट से काउंट कर सकते हैं या तो राइट से, तो देखो कितने फोर्सेस है लेफ्ट में एक ही फोर्स है राइट में दो फोर्सेस है, तो हमें कौन सा सिंपल होगा आपके लिए, तो सिंपल होगा लेफ्ट से लेते हैं, तो आर ए इंटू डिस्टेंस इज 1 तो आर ए इंटू 1 तो आपको मिल गई मोमेंट 16.67। अब बात करते हैं फॉर द बी पॉइंट, तो अब यहां से मैं क्या करूंगा राइट साइड से लूंगा क्योंकि अब लेफ्ट साइड में आपको एक फोर्स दो फोर्स मिलेंगे राइट में आपको एक ही फोर्स मिलेगा, तो वहां पे आप करोगे आर बी इंटू 1 क्योंकि डिस्टेंस है आपके पास 1, तो वहां से आपको मोमेंट मिल जाएगी 23.33। अब वो वैल्यू पॉजिटिव क्यों है तो मैं बताऊं, यहां से आप ले रहे हो ऊपर की तरफ आपकी मोमेंट आ रही है कुछ इस तरह से तो आपने लिया पॉजिटिव, और यहां से जैसे ही आप ले रहे हो यहां से भी आपका वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव, तो फिर से यहां पे भी क्या होगा आपका वैल्यू पॉजिटिव। तो ये बात हो गई आपकी वैल्यूज एंड उनकी डायरेक्शन और प्लस होगी या माइनस होगी। अब बात करते हैं शियर फोर्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो शियर फोर्स के लिए बहुत आसान है, आर ए की वैल्यू क्या आई आपके पास, तो आर ए की वैल्यू आई 16.67, तो पहले आपको इतना अपवर्ड ड्रॉ करना है 16.67 जितना, फिर देखो बिटवीन ए टू सी, ए टू सी में कोई भी फोर्स नहीं है तो मतलब आपका शियर फोर्स क्या होगा कांस्टेंट होगा। अब शियर फोर्स कांस्टेंट है तो लाइन होगी आपकी इस तरह से हॉरिजॉन्टल, फिर 10 डाउनवर्ड है मतलब 16.67 अप गए थे, अब उनमें से आपको कितना डिडक्ट करना है 10 डिडक्ट करना है, तो कितना आपके पास रहेगा 16.67 में से आपको 10 माइनस कर देने हैं तो आपको आंसर मिलेगा 6.67 किलो न्यूटन। अब फिर से यहां से देखिए सी टू डी कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो 6.67 ही रहेगा, फिर जाके 30 और डाउन करना है मतलब 6.67 माइनस 30
तो आपको मिल जाएगा आंसर 23.33। तो 23.33 यहां से आपने ड्रॉ कर दिए। अब देखिए 23.33 आपका आरबी होना ही चाहिए क्योंकि वही आपका अपवर्ड होगा। तो क्योंकि यहां देख लीजिए ए पॉइंट और बी पॉइंट में आपका स्टार्ट और क्लोजर होना चाहिए। अब नोटेशन की बात करते हैं। कल ही मैंने बताया था अगर कुछ इस तरह से है आपका फोर्स सेक्शन से, यहां देखिए एक सेक्शन लिया, लेफ्ट साइड में आपको अपवर्ड मिलेगा और यहां पे आपको डाउनवर्ड मिलेगा, तो उनको प्लस दे दिया नाम, और अगर डाउनवर्ड है लेफ्ट में तो उनका नाम दे दिया माइनस। यहां पे आपको इस तरह से ही डायरेक्शन दिखेगी, तो लेफ्ट में आपको डाउनवर्ड और राइट में आपको अपवर्ड मिलेगा। तो कुछ इस तरह से पॉजिटिव और माइनस, ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। याद रखिएगा जब भी आप बेंडिंग मोमेंट की बात करो तो अगर पॉइंट बोर्ड है तो आपका जो सेफ होगा वो ट्रायंगुलर बेस सेफ होगा बेंडिंग मोमेंट का। तो यहां तो जीरो वैल्यू है, यहां भी जीरो वैल्यू है। अब बात करते हैं सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पर वैल्यू कितनी है 16.67। फिर डी पॉइंट पर 23.33, मतलब कुछ इस तरह से होगा। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। सो ये होगी आपकी 23.33 और ये होगी आपकी 16.67। तो पॉजिटिव वैल्यू है आपकी दोनों, तो नाम दे दिया पॉजिटिव, तो बेंडिंग मोमेंट यहां से खत्म हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जहां पे शियर फोर्स जीरो होगा बेंडिंग मोमेंट आपकी ऑलवेज वहां पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहां देखते हैं, देखिए शियर फोर्स आपका जीरो हुआ ही कुछ इस पॉइंट पर, तो वहां पे आपकी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हुई। तो ये आपको चीज याद रखनी है, जहां पे आपका शियर फोर्स जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, मैक्सिमम। और एक चीज और आएगी वो नेक्स्ट में हम बात करेंगे जब ओवरहैंग बीम की बात आएगी, बट उनका नोटेशन अभी से बता रहे हैं आपको कि जब भी बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव है, या तो नेगेटिव से आपका पॉजिटिव हो रहा है बेंडिंग मोमेंट, तो उस पॉइंट को नाम क्या देते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ओके, तो बाद में बात करते हैं जब हम बात करेंगे ओवरहैंग बीम की। तो कोई पूछता है अगर सिंपली सपोर्टेड में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉसिबल है अगर लोडिंग डायरेक्शन आपकी वर्टिकल डाउनवर्ड है तो कभी नहीं होगी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। हाँ, कुछ इस तरह से हो सकता है कि फोर्स एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है, तो हो सकता है कुछ इस तरह से कंडीशन आपको दे रखी है शायद। लेट सपोज कुछ इस तरह से है आपका, यहाँ पे आपका बी सपोर्ट है, यहाँ पे ए सपोर्ट है, यहाँ 50 किलोन्यूटन दिया है, यहाँ पे 30 किलोन्यूटन दिया है, तो कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर हो सके। बाकी अगर वर्टिकल फोर्सेस दिए हैं डाउनवर्ड तो कभी भी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे पॉजिटिव वैल्यू ही आपको मिलने वाली है। तो ये था आज का शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का पोर्शन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।